खबर इस बीच लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। यूपी में सीटों के बंटवारे पर मंथन तेज हो गया है। वहीं सपा ने 65 और कांग्रेस ने 40 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। सूत्रों से यह जानकारी भी मिल रही है। वहीं 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में सीटों को लेकर अब दावेदारी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन समन्वय समिति राज्यवार बैठक करने जा रहा है, तो समन्वय समिति राज्यवार बैठक में मंथन किया जाएगा। तो यूपी में सपा के पास 3 और कांग्रेस के पास 1 लोकसभा सीट है। तो राज्य की परिस्थिति के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, जहां एनडीए अपनी तैयारी कर रहा है, तो वहीं INDIA गठबंधन भी पूरी तैयारी और रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। तो यूपी में सीटों के बंटवारे पर जो मंथन है वो अब तेज हो गया है। तो सपा ने 65 और कांग्रेस ने 40 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। तो सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है, तो 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में सीटों को लेकर अब दावेदारी तेज हो गई है। INDIA गठबंधन समन्वय समिति राज्यवार बैठक करने जा रहा है, और इस बैठक में तय किया जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ने जा रही है और कहां से कौन सी पार्टी का कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेगा। तो समन्वय समिति राज्यवार बैठक होगी और इस बैठक में मंथन किया जाएगा सीटों के बंटवारे को लेकर। तो यूपी में सपा के पास 3 है और कांग्रेस के पास 1 लोकसभा सीट है। तो राज्य की परिस्थिति के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सीटों से बंटवारे को लेकर आपको बता रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से अब तेज होती हुई नजर आ रही है। INDIA गठबंधन राज्य में सीटों के बंटवारे को लेकर अब समन्वय बैठक भी करने जा रहा है, और इस बैठक में तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र से किस पार्टी के कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारना है। तो राज्य की परिस्थिति के हिसाब से सीटों का बंटवारा INDIA गठबंधन करने जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, और इसी बीच आपको बताते चले कि यूपी में सपा के पास 3 लोकसभा सीटें और कांग्रेस के पास 1 लोकसभा सीट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से स्कंदिता मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, सीटों के बंटवारे को लेकर INDIA गठबंधन अब समन्वय बैठक करने जा रहा है, लेकिन सवाल अब यह है कि कैसे समन्वय बैठक में सामंजस्य बैठाया जाएगा सीटों के बंटवारे को लेकर INDIA गठबंधन में। जी बिल्कुल, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है, जहां एक तरफ एनडीए अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, कहां किसको कितनी सीट देनी है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी अब सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां शामिल हैं इंडिया गठबंधन के साथ में, जिसमें से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी उसका हिस्सा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से आपको बता दें सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 65 सीटों की मांग की गई है, कि समाजवादी पार्टी की 65 सीटों की मांग है, और वहीं कांग्रेस ने 40 सीटों की मांग की गई है, जो कि अभी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश माना जाता है उत्तर प्रदेश। ऐसे में कहां किसको कितनी जो है सीटें दी जाएंगी वो समन्वय बैठक होगी, उसके बाद पता चलेगा। इंडिया गठबंधन जल्द ही समन्वय समिति राज्यवार बैठक करने जा रहा है, और उस बैठक में जो है मंथन होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पास में 3 लोकसभा सीटें हैं, वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास में 1 लोकसभा सीट है। ऐसे में कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में 65 सीटों पर दम दिखा रही है, 65 सीटों का दम पर दांव भर रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 100 जो है 40 सीटों को लेकर अपना दांव ठोकती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में जब समन्वय राज्यवार की बैठक होती है कि किस राज्य में किस पार्टी की स्थिति कितनी अच्छी है, कितना उनका वोट बैंक है, उस हिसाब से पार्टी को जो है सीटें दी जाएंगी। क्योंकि जब भी अगर गठबंधन की बात की जाए, महागठबंधन की, तो हर राज्य में देखा जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की स्थिति जो है वो किस हद तक ठीक है, कितना उनका वोट है और कितना वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, उस हिसाब से जो है सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि मंथन जो है वो तेजी से चलने लगा है, और जिस तरह से एनडीए तैयारी कर रहा है उस तरीके से
इंडिया गठबंधन जो है वो भी अब तैयारियों में जुट गए हैं, और खास करके सीटों के लेकर जो है वो, और खास करके वो प्रत्याशी जिनको जो अपने 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 कौन वो जिताऊ प्रत्याशी होंगे जिनको मैदान में उतारेंगे उसको लेकर ये मंथन चल रहा है, जिसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को तैयार कर रही है कि कहाँ से किस जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। हर एक लोकसभा सीट में अपने आप को कहाँ स्थिति पर देख रही है वो देखते हुए सभी पार्टी नजर आ रही है। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो अपने गढ़ वाली सीटें हैं उन पे अपने जो परिवार के लोग हैं उनको उतारने की कोशिश में है, कि जिस तरीके से जो पुराना रिजल्ट रहा है अगर पिछले दो चुनाव का देखा जाए, जिसमें समाजवादी पार्टी ने एक घोसी में जीत दर्ज की है, उससे पहले मैनपुरी मॉडल पेश करा शिवपाल यादव ने, तो उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीटें हैं वहां पर अपने घरेलू जो लोग हैं, जो घर के लोग हैं उनको मैदान में उतार सकते हैं। तो उनको लेकर तमाम जगहों से जो है वो मंथन चल रहा है कि कहां से किस जो है प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम लोग हैं जो अभी वो जगह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि कौन सी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं मंथन जो है वो तेज चल रहा है, जिसमें से रायबरेली है, अमेठी है, ये दो सीटें जो है वो काफी ज्यादा जो है सुर्खियों में बनी हुई है, जहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि INDI गठबंधन किस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में सामंजस्य बैठाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।